हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। आपको पता है आज के दिन हमारा गणतंत्र बना, असली मायनों में आज के दिन हमको आजादी मिली। क्या हम अभी भी आजाद हैं? क्या हम अभी भी आजाद हैं से मेरा मतलब है आजाद तो हम सब लोग हैं, आजादी तो हमको मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमको आजादी पाने की जरूरत है। पहले हमने लड़ाई करी थी बाहर वालों से, अब हमें लड़ाई करनी है खुद अपने से। अपने से मतलब अपने घर वालों से नहीं है, मतलब अपने अंदर से, अपने अंदर के बुराइयों से हमको फाइट करना है। इस गणतंत्र दिवस पे हमें एक दूसरे के संग वादा करना चाहिए, इनफैक्ट अपने खुद के संग वादा करना चाहिए कि हमको अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। हर वो चीज जो हमको पीछे खींचती है उसको मार देना है। हमको अपने आप से मुकाबला करना है। आपको पता है जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई करने के टाइम पे सिर्फ आपको सक्सेस नहीं चाहिए होती है, 10 लोग होते हैं जो आपको पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं, और वो आपके बगल वाले भी हो सकते हैं। आपका अभी तक एसएससी नहीं निकला, 4 साल से तैयारी कर रहे हो यार, अभी तक नहीं निकला। क्या है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी के पास हम नहीं आ सकते। देखो, नेगेटिविटी से दूर रहना हमारे हाथ में है, पॉजिटिविटी के पास आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहना हमारे हाथ में है। तो ये हम कर सकते हैं, हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पे चलो अपने आप से वादा करते हैं। गाइस, इस रिपब्लिक डे पे हम सब अपने आप से वादा करते हैं कि जिस तरीके से आज के दिन हमारा गणतंत्र लिखा गया, उसी तरीके से हम अपनी स्लेट पे अपनी अच्छाइयां लिखेंगे। अब तो इस गणतंत्र दिवस पे हम अपने आप से वादा करते हैं कि आज के दिन अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके अपनी अच्छाइयों को लिखते हैं। और जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा आ गया, सारी सक्सेस आपके पीछे आएगी। एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, शायद आपको साल भर लगे, लेकिन एक बार अगर आपने सही तरीके से अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो सारी सक्सेस आपके पास आएगी। बस अपने ऊपर भरोसा करो। इस रिपब्लिक डे पे वादा करो कि अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपनी अच्छाइयों को अपने स्लेट पे लिखना है। हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड इस बार नया रिपब्लिक डे बनाते हैं। अमन सर, इस रिपब्लिक डे की विशेष के संग मैं एंड करना नहीं चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने हमेशा एक चीज सुनी है, मतलब स्टूडेंट से भी सुनी है, कि आप बहुत ही बढ़िया मतलब कहानी सुनाते हैं। मतलब एक्चुअली मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं, लेकिन मैंने सुनी भी है बीच बीच में यूट्यूब में, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे कंप्लीट कहानी नहीं सुनी। तो गणतंत्र दिवस पे इतना अच्छा एनवायरमेंट है, हर तरफ पॉजिटिविटी है, मैंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया अपने स्टूडेंट्स को, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप मैसेज ना देके आप कोई स्टोरी सुनाओ। मैसेज नहीं, बहुत ही मस्त कोई स्टोरी। चलो ठीक है, गणतंत्र दिवस है तो यार कहानी सुनाते हैं, फ्रीडम फाइटर की ही किसी की सुनाते हैं। ऐसा करते हैं, आप मुझे ऑप्शन दीजिए, मैं बताऊंगी। अभी वो था, अभी पराक्रम दिवस था 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बेहतरीन सी कहानी सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा सुनकर के। पहली चीज तो ये बता दूं, जिनको नहीं पता है, वो इंडिया के यंगेस्ट सिविल सर्वेंट थे, यंगेस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। और पहले पढ़ाई, अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप भारत में उसकी पढ़ाई नहीं होती थी, इसके लिए आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, उनके पिताजी बहुत बड़े लॉयर थे, वो चाहते नहीं थे कि सुभाष इन सारी चीजों में आए, लेकिन उनका मन इसी में करता था, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे और इंडियन सिविल सर्वेंट, यंगेस्ट इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये। खैर, एक इंटरेस्टिंग एक्सर्ट सुनाता हूं इनका। एक बार क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, ये ब्रिटिशर्स से बचते हुए, ब्रिटिशर्स को बेसिकली वो इस बात का अपोज कर रहे थे कि इंडिया के सैनिकों को क्यों वर्ल्ड वॉर टू में झोंक दिया गया, इस बात का वो अपोज कर रहे थे। तो खैर, बचते बचाते ब्रिटिशर्स उनके पीछे आ गए, तो खैर वो बचते बचाते पहुंचे अफगानिस्तान के रास्ते, वो जर्मनी पहुंचे। बात ये थी, उनका जर्मनी क्यों गए थे, सवाल ये आता है, जर्मनी क्यों गए थे सुभाष चंद्र बोस और जर्मनी का क्या रिलेशन क्या है, दिमाग। उस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू और जर्मन्स और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के आमने सामने, ये ब्रिटिशर्स है ये जर्मन्स है, और मेरी दुश्मनी किससे, ब्रिटिशर्स है। दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त होता है। तो मैं किसके पास जाऊंगा, जर्मन्स के पास। तो ये गए जर्मन्स के पास, हिटलर के पास गए कि यार इनसे, इससे जाकर के, इस आदमी से जाकर के सहायता लूंगा। हिटलर बोले, अब बात खैर हिटलर के पास पहुंचे तो उस जमाने में एक बड़ी फेमस चीज हुआ करती थी, जितने भी ये बड़े बड़े रूलर्स होते थे ये कभी सामने नहीं आते थे, ये अपने पास हमेशा अपने डुप्लीकेट रखा करते थे।
बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाला इनके जैसा आदमी होगा, जिसकी चाल ढाल बोली सब कुछ इनके जैसी होगी, बट वो हिटलर नहीं होगा। अब वो बैठे हुए थे जैसे आप यहां बैठे हुए, सुभाष चंद्र बोस जी आए, सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए, हिटलर आए। पहला आदमी आया, उसने हाथ बढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ मिलाया और बोले जाओ हिटलर को बुला के लाओ। पहला हिटलर ही आया, पहला बिल्कुल हिटलर जैसा दिखने वाला आदमी आया और बोला जाओ हिटलर, हाथ मिलाया और उन्होंने बोला जाओ हिटलर को बुला के लाओ। वो गया अंदर, फिर उसने हिटलर को भेजा, सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए थे, फिर उन्होंने हाथ मिलाया, फिर दोबारा बोले कि जाओ ऐसा करो अब हिटलर को भेजो अंदर जाकर के। परेशान, जर्मन सेना में आज तक कोई नहीं पहचान पाया कि हिटलर और असली हिटलर में कौन, नकली हिटलर असली हिटलर में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक ऐसे आदमी ने जो अभी अभी हिंदुस्तान से आया है, उसने कैसे मान लिया, उसने कैसे पहचान लिया, एक बार में कैसे पहचाना होगा? गेस करी, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, कैसे पहचाना होगा? पहले उन्होंने मतलब जब भेजा होगा तो यूजुअली ऐसा ही होता ना कि पहले उन्हें पता नहीं था कि वो ऐसा रखते हैं, ऐसे किसी को रखते हैं, उन्हें पता नहीं था। जब आप, हिटलर ने भी उनसे पूछा कि सुभाष आप ये बताइए आपने कैसे पहचान लिया, बड़े बड़े राजनेता यहां आकर के चले गए और आप कैसे जान गए कि मैं असली हिटलर नहीं हूं? तो इन्होंने, हिटलर ने अपने हाथों में दस्ताने पहनते थे, तो सुभाष ने जब, सुभाष चंद्र बोस साहब ने जब हाथ मिलाया तो उनसे बोला आप दस्ताने उतार दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्ती के बीच में कोई दीवार आए, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया। और उसके बाद उन्होंने, हिटलर ने यह सवाल पूछा कि आप पहचाने कैसे? बोले देखिए साहब, कभी भी जिसका घर होता है उससे जब कोई बाहरी मिलने वाला, जब कोई बाहरी मिलने आता है तो हमेशा पहला हाथ बाहरी उठाता है दूसरे की तरफ, बाहरी आदमी हाथ बढ़ाता है, आपके दोनों लोगों ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया इसका मतलब उनका घर नहीं है। और आप जब आए आपने हाथ, आपने स्टिफ रखे नीचे की ओर और मैंने आपकी ओर हाथ बढ़ाया, तब आपने हाथ बढ़ाया। वो उनके इस ऑब्जर्वेशन से इतना खुश हुए कि बहुत खुश हुए, बोले ये ऑब्जर्वेशन गजब का, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। और मैं आज जान गया कि सुभाष चंद्र बोस नाम क्यों है। आप में से जिनको क्लियर ना हो मैं फिर बता दूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि देखिए, जब किसी के भी, किसी भी घर में जब कोई मेहमान आता है तो, या फिर कोई फरियादी आता है तो वो हाथ मिलाता है सबसे पहले। जो मकान मालिक होता है या जो भवन स्वामी होता है वो कभी अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाता है। आपके दोनों लोगों ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया, यानी कि वो भवन स्वामी नहीं थे, उनके अंदर हिटलर वाली वो बात नहीं थी, क्योंकि अगर हिटलर होता तो कभी भी अपनी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाता आगे। और आप जब आए तीसरे नंबर पर, जब आप आए तो आपने अपनी तरफ से हाथ नहीं आगे बढ़ाया, जब मैंने आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तब आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बात से मैं समझ गया कि आप ही असली हिटलर हैं। That is called as sharpness। तो यार ये sharpness जो है ये गजब। तो यार ये थी आपकी रिपब्लिक डे की स्टोरी। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे क्या कहानियां तो हमारे पास बहुत सारी हैं, आपको वो मिलती रहती हैं हिस्ट्री में, मैं आपको सुनाता ही रहता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर जगह कहानी आपको मिलती रहती है। ऐसे ही खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, खूब दूर रहिए नेगेटिविटी से, अपने आप को सबसे ऊपर रखिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पॉजिटिव रहना आपके हाथ में नहीं है और पॉजिटिविटी जीवन में लाना भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहना ये जरूर आपके हाथों में है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी यार। इसी बात के संग आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत क्या बधाई हो, और नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी के पास अपने आप आ जाओगे। अच्छे से मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।